तो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिस्कस कर ली हुई है. अभी भी ऊपर है. So after sp3 hybridization, let's discuss the next one, that is sp2. Okay, and sp2 is trigonal planar. sp2 is trigonal planar. Okay, अब इसका क्या मतलब है कि एक s orbital involve हो रहा है और दो p orbitals involve हो रहे हैं. Okay. So, 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे? 3. तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी. हाँ जी, कुछ ऐसी शेप आएगी इसकी. ठीक है, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर और अमोनिया का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं पहले. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, जहां पर हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं. अब अगर मैंने वाटर का स्ट्रक्चर, पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. अमोनिया में कितने लोन पेयर्स हैं? जैकलिन मास्क ऊपर. अमोनिया में कितने लोन पेयर्स हैं? 1. तो यानी कि ये जो लोन पेयर है वो ये वाली पोजिशन स्पेसिफाई कर लेगा, बाकी ये 3 पोजीशंस कौन लेगा? हाइड्रोजन. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर लिखूं H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स हैं? 2. तो यानी कि यहाँ पर ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये कौन एक्वायर कर लेगा? लोन पेयर. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट इज नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे BH3 का. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ BH3 फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन. बोरोन, बोरोन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 5 है, दैट इज 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है, अब यहां पर मैं s ऑर्बिटल बना रही हूँ और यहां पर मैं p ऑर्बिटल बना रही हूँ. ऐसे ही आएगा ग्राउंड स्टेट पे बोरोन. ग्राउंड स्टेट के बाद हम कौन सी स्टेट लिखते हैं? एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाएगा? लाइक दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर शिफ्ट करवा देना है तो ये 3 आ गए हैं. पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BH3. अब यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन हैं, दे विल गेट अटैच्ड विद द ऑपोजिट स्ट्रिंग. ओके, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ BH3. और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा. यहाँ पर हमने 3 क्या लगा दिए हैं? हाइड्रोजन लगा. हाँ जी बेटा, एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर आ गया. इसके साथ मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं. थ्री है ना, 3 हाइड्रोजन भी तो अटैच करने हैं, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए ना इसके साथ. या आप इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, वैसे नहीं ड्रॉ करना है तो सिंपली यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो. ये जो डॉटेड है वो हाइड्रोजन शो कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज C2H4. दिस स्ट्रक्चर, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन. 1, 2, 3, 1, 2, 3. यानी कि हर एक कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. और इनका अभी एक एक क्या है?
लोन पेयर खाली है, वो लोन पेयर जो है दिस लोन पेयर इट विल बी यूटिलाइज्ड हियर टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना C2H4 का, C2H4 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स हैं ये मिलके क्या बना देंगे आपका, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर नाउ। जैसे मैंने कल आपको बताया था अगर मैं सिंगली बॉन्डेड बनाऊ तो क्या ये स्ट्रक्चर BH3 जैसा है, क्या ये स्ट्रक्चर ये वाला BH3 जैसा है, 1, 2 and 3 लिंकेजेस है, वैसे ही BH3 में थी। ठीक है, तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे, पहले हम एम्प्टी ऑर्बिटल बना लेते हैं, पी जो पी खाली ऑर्बिटल है ना वो बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज द एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अब उसके बाद कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पर बनाना है, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर, ऐसे बनाएगा तीन बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाना है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ। सो द स्ट्रक्चर विल अपीयर लाइक दिस। यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना अभी, हाँ जी ठीक है कि नहीं, चार चार थे ना, तो 1, 2, 3 और एक 4 पड़ा हुआ है इसके पास। सिमिलरली 1, 2, 3 और ये 4 पड़ा हुआ है इसके पास। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड, और ये सारे क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। क्लियर हो गया, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैंने C2H2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो वो किस हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, इट विल कम इन द हाइब्रिडाइजेशन SP, दैट इज द SP में कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल BeF2, बेरिलियम की क्या कॉन्फिग्रेशन है, 1s2 2s2, बेरिलियम इज हैविंग कॉन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, p आगे वाले खाली हैं, तो ग्राउंड स्टेट बेरिलियम की क्या बन जाएगी, ये 2s2 शो करूंगे मैं यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसमें से एक आगे शिफ्ट कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, अब सॉरी फ्लोरीन, हियर द फ्लोरीन से विल बी अटैच्ड। BeH2 का कर लेते हैं सिंपली, हाइड्रोजन बता दो। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, BeF2 का स्ट्रक्चर ऐसा आता है, द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर में हम क्या कहेंगे, यहां पर मैंने बनाया है BE, दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं ना, दो हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, तो एक और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, एक S है और एक P ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, दिस इज द S1 एंड दिस इज द P ऑर्बिटल। तो S और P दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए, यहाँ पर आपने दो हाइड्रोजन लगा दिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeH। क्लियर, अब सिमिलरली अगर मैंने C2H2 का स्ट्रक्चर बनाना है, इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2, सी ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, ऐसा स्ट्रक्चर होगा कुछ, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे सेम अज्यूम कर सकती हूँ BeF2 जैसे या BeH2 जैसे, जहां पर एक ये लगा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड है, अज्यूम कर सकते हैं स्ट्रक्चर को इसके साथ बिल्कुल सेम। सी को मान लो BE, दो फ्लोरीन है, एक को हाइड्रोजन, ओके
सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर. यहाँ पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं? दो, क्योंकि कार्बन ने सिर्फ दो के साथ बॉन्डिंग की है. अभी ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है ये बनाना बाकी है, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी दे आर वेकेंट, ठीक है, एज इट इज पड़े हुए हैं खाली ऑर्बिटल में. तो स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो अगेन आई विल बी रिप्रेजेंटिंग टू पी ऑर्बिटल्स फर्स्टली. पहले मैं ये जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर खाली वाले, ठीक है. ये दो मैंने खाली पी के बना दिए हैं पी ऑर्बिटल्स, ओके. अब इसके बाद एक इसने इसके साथ बनाया हुआ है, इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है. यहां पर आ जाएंगे हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, इन दोनों में क्या पड़ा हुआ है, ऐसे शो कर लेते हैं, इन दोनों में क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है. एक की बॉन्डिंग इसके साथ होगी ऊपर और नीचे, एक की बॉन्डिंग इसके साथ होगी ऊपर एंड नीचे, ठीक है. सो दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन. जब ये दो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाते हैं तो जो आपका स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. दो पाई बॉन्ड्स के कारण ये जो स्ट्रक्चर आपका आता है ना, ये कैसा आता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आता है, ओके. दिस इज कार्बन कार्बन, ये जो ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये, ठीक है जी. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो सिलेंडर, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर आता है. तो हमने अभी तक तीन हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर ली है. कौन कौन से डिस्कस की है बेटा? Which three hybridizations we have discussed so till now? sp, sp2 and sp3. sp3 is tetrahedral, sp2 is trigonal planar. अब उसके बाद कौन सी आएगी? तीनों p involved हो गए हैं, अब sp3 d आएगी. तीन चार और एक पांच, पांच वाली hybridization कौन सी होती है? पांच वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? पेंटागनल बाइपिरामिड. एग्जाम्पल PF5 की एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है. फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? This is the configuration of phosphorus. 15, S में दो है, P में तीन है, ठीक है. S में दो है, P में तीन है. हमें अब D भी इन्वॉल्व करना है. We have to involve D also. तो D जो है वो खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, उसको भी इन्वॉल्व करेंगे. ये ग्राउंड स्टेट बना दी मैंने फॉस्फोरस की. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये जो डबल वाला इलेक्ट्रॉन है ये आगे शिफ्ट करवा देना है एक्साइटेड स्टेट में. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया. अब टोटल करो कितने काउंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. अब यहाँ पर आपने पांच जो है वो फ्लोरीन अटैच कर देने. ठीक है जी. तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं अब अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये कैसा होगा? पांच है, ठीक है. सेंटर में आपका आ जाता है फॉस्फोरस, राइट. अगर मैं एक्चुअल आपको ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर होता, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. और यहीं पर आपने छोटी छोटी लोब्स बना देनी है पांच, ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PF5. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PF5, ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं. sp3d के बाद अब कौन सी होगी?
sp3 d2 होगी, sp3 d2 इज हेक्सागोनल, sp3 d2 इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल SF6 की ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है, 3s2, 3p एंड हेयर दिस इज 3d जो कि खाली है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाना है और यहाँ पर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाना है। तो जब आप ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये जो डबली है वो सिंगली हो जाएगी। ठीक है, अब हो गए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो द कॉन्फिगरेशन इज sp3 d2। अब आपको कल मैंने BrF5 की बताई थी ना, BrF5 की क्या है, BrF5 की कौन सी आई थी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बताओ पहले BrF5 का, BrF5 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल बनाओ, BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल कैसे आया, BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल कैसे आया, हाँ जी बनाओ, ड्रॉ इट, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे 4s2 4p5 में। ठीक है, 4s2 4p5 में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर करेंगे। तो s वाला ऑर्बिटल बना लेते हैं यहाँ पर, देन वी विल बी फॉर्मिंग p ऑर्बिटल्स, p हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद आपके आ जाएंगे d ऑर्बिटल्स जो कि खाली हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स बना देंगे। अब मुझे 5 लगाने हैं, मैं कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दूंगी, 1, 2। देखो इधर पहले, सी दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज डी ऑर्बिटल। ओके, अब मुझे 5 चाहिए, पहले मैं इसको एक को यहाँ पे शिफ्ट करवा लेती हूँ, इसको एक को यहाँ पे शिफ्ट करवा लेती हूँ, तो कितने बन जाएंगे मेरे, 1 एंड 2 होगी पूरे 5। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज ऑर्बिटल जो है वो यूज नहीं हुए हैं, बट वी विल बी काउंटिंग इट एज द लोन पेयर। हम इसको कैसे काउंट करेंगे, एज लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 d कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 2 इन्वॉल्व हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी